जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक चलना है, क्राउड भी होती है ना, भीड़ भी लगता है, तो भीड़ कभी भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं करने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से आकर के मंदिर में छठ पूजा करते हैं और उन लोग घाट के पास ही स्टे करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्वेल और मैं शिवम, और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, बिहार का महापर्व चैती छठ पूजा बस अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। उसी से जुड़े एक बहुत ही खास अपडेट हम आप तक लेकर के आए हैं आज। छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। तो हमारे गया जी में एक और बहुत ही बड़ा और सुंदर सूर्य मंदिर, सूर्य देव का, सूर्य भगवान का मंदिर जो है बनकर तैयार हो गया है। चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि यहाँ की क्या क्या खास बातें हैं और कब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है और क्या क्या यहाँ कार्यक्रम होने वाला है। जैसा कि अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ बहुत ही फेमस कथा वाचिका भी आने वाली है। तो चलिए आप बाकी का अपडेट देते हैं आपको आगे वीडियो में। दोस्तों, फाइनली देखिए हम लोग आ चुके हैं इस मंदिर के एंट्री गेट पे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो बड़ा सा सूर्य मंदिर। और यहाँ एंट्री गेट पे ही एक बैनर हमें देखने को मिल रहा है जिसमें यहाँ के कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन और कथा वाचिका देवी चित्रलेखा यहाँ आने वाली है कथा के लिए। चलिए चलते हैं एंट्री गेट के अंदर और मंदिर को दिखाते हैं आपको अंदर से। दोस्तों, मेन गेट से एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं और हमारे पीछे ये बड़ा सा सूर्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर एक पोखर के बीच में बना हुआ है और इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी हम जिस चीज़ पर खड़े हैं ये पूरा का पूरा फुट ओवर ब्रिज जो है ये बनकर तैयार है और यहाँ से सीधा रास्ता जो है वो मंदिर के अंदर एंट्री दिलाता है आपको। डायरेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पीछे जो है वो इधर बगल में यज्ञ स्थल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, वहाँ अभी भी काम चल रहा है जो कि एक दो दिन में ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक चलना है और ये सभी जो तैयारियाँ आप देख रहे हैं ये उसी के लिए तैयारियाँ की जा रही है। दोस्तों, अभी हम इसी फुट ब्रिज पे चल रहे हैं, इस ओवर ब्रिज पे चल रहे हैं और इस ब्रिज के दोनों साइड है लाइटें भी लगी हुई हैं जो कि रात में काफी बढ़िया होने वाला है। और अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं कि अंदर जो है मंदिर वो कैसा बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, मंदिर में अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पीछे मंदिर है। मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो चुकी है लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है इसलिए हम लोग आपको मूर्ति तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि मंदिर की बनावट कितनी खूबसूरत है। इधर आप देख सकते हैं जो सामने जो भी पिलर्स हैं उन पिलर्स में पित्तल का ये जो है वो नक्काशी की गई है। इस तरफ भी है, इधर भी है और यहाँ पर आपको द्वार पे ही भगवान सूर्य का जो रथ है जिसकी शोभा घोड़ा है, घोड़े होते हैं, तो आप देख सकते हैं एक इधर भी है और एक आपको इस तरफ भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी ये दोनों एंट्रेंस पर लगाया गया है। इसके साथ ही हमारा जो आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि इतना सुंदर जो ये बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अभी वो हम लोग अंतिम फेज़ में है, ये सारे जो भी छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटा मोटा काम जो बचा हुआ है वो सारा काम यहाँ पर चल रहा है। समिति के लोग भी बैठे हुए हैं, लोग लगातार इस चीज़ की देखरेख कर रहे हैं और इसको भव्य, मतलब इसको शानदार बनाने की अपनी तरफ से खूब प्रयास कर रहे हैं। और हम दिखाते हैं इसके पीछे और क्या क्या चीज़ें हैं, आइए। और ये मंदिर जो है ना दोस्तों, ये इतने अच्छे स्पेसियस मंदिर इसको बनाया गया, इतना स्पेसियस बनाया गया है कि मंदिर में पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद लोग इसकी परिक्रमा भी करेंगे आराम से। यहाँ पे आई थिंक कि अगर क्राउड भी होती है ना, भीड़ भी लगता है, तो भीड़ कभी भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं करने वाला, यानी परेशानी नहीं होगी। आप इजीली यहाँ पर भ्रमण भी कर सकते हैं इस मंदिर में और इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए ढेर सारा जो है कार्यक्रम होने वाला है जो कि 9 अप्रैल से लेकर के 16-17 अप्रैल तक चलने वाला है। तो हम यहाँ से अभी पैम्पलेट प्राप्त हुआ है जिसमें सारा डिटेल लिखा गया है, तो अभी शिवम आपको बताने वाला है कि यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। दोस्तों, सबसे जो खास बात है वो इस जगह की वो ये है कि जो इसका प्राण प्रतिष्ठा है और जो यहाँ कार्यक्रम होने वाला है उसमें जो मशहूर कथा वाचिका हैं
श्री देवी चित्रलेखा जी, उनके द्वारा यहाँ पर भागवत का जो है वो भी कथा होने वाला है, जो कि 9 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें 10 से लेकर के 16 तक भागवत कथा जो है उसका वाचक होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों 9 तारीख को कलश शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो कि पूरे ग्राम यानी जो गेरे गाँव है ये जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, इस पूरे ग्राम में वो कलश यात्रा जो है वो भ्रमण किया जाएगा। और 10 तारीख को यहाँ पर पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश वगैरह ये सारी विधियाँ होने वाली है। 15 तारीख वो इम्पोर्टेंट दिन है जिस दिन यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। 16 तारीख को छठ पूजा का शायद सुबह वाला अर्घ है उस दिन। हाँ, पारण इस बार चैती छठ पूजा का पारण पड़ने वाला है शायद 15 तारीख को। और 16 तारीख को महाभोग एवं श्रृंगार और एवं महाआरती, क्योंकि 16 तारीख को जो है वो भागवत कथा का जो है वो अंतिम दिन रहेगा, तो उस दिन वो महाआरती होगी। और 17 तारीख को जितने भी ब्राह्मण आए हुए रहेंगे उन सभी की विदाई और उन सबको यहाँ से विदा किया जाएगा। इसके साथ एक और बहुत ही खास चीज़ है दोस्तों, यहाँ प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से रासलीला का भी आयोजन होना है, जो कि ये जो ब्राह्मण बालकों के द्वारा, ब्रिजवासी ब्राह्मण बालकों के द्वारा यहाँ पर रासलीला का भी आयोजन प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से होगा। और ये जितने भी कार्यक्रम हैं सब मंदिर परिसर के आसपास बगल में ही, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे यज्ञ का दोनों तरफ बनाया गया है, दोनों तरफ व्यवस्था किया गया है। आई थिंक जो बाहर से ब्राह्मण आएंगे उनका भी यहीं पे रहने का व्यवस्था किया गया है सब। और दोस्तों ये हॉल जो है आपको मंदिर परिसर में देखने को मिलेगा, इसका एक और खास बात ये भी है कि कुछ ऐसे छठ व्रती होती हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से आकर के मंदिर में छठ पूजा करते हैं और उन लोग घाट के पास ही स्टे करते हैं, तो उनके लिए ये हॉल काफ़ी सुविधाजनक होने वाला है। काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये मंदिर जो है बनाया गया है, दो दो तरफ से एंट्री दी जा रही है, आप देख सकते हैं पीछे से भी इस साइड से भी ये ओवरब्रिज बन रहा है और एंट्री इसमें आने के लिए इसको जोड़ा जाएगा और आगे से तो वो काफ़ी सुंदर सा पाथ जो बनाया गया है। और दोस्तों इस सूर्य मंदिर में आने के लिए, सूर्य नारायण के दर्शन करने के लिए आपको आना होगा गया के मानपुर में, जैसा कि लोग जानते हैं मेहता पेट्रोल पंप जो है उसके सामने से एक रास्ता गया है और आगे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक ओवरब्रिज मिलता है, ओवरब्रिज के ठीक बगल से एक रास्ता गया है और ये गेरे गाँव के नाम से जाना जाता है। और इस गांव में जैसे ही हम आते हैं तो अंदर आते ही आपको एक बड़ा सा पोखर है और दूर से ही आपको ये मंदिर जो है देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप अगर अभी ये वीडियो को देख रहे हैं अभी तो ज़रूर यहाँ आएँ, इस मंदिर में आएँ और ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो इसका उद्घाटन समारोह हो रहा है उसमें ज़रूर सम्मिलित हो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय जय हिंद, जय भारत।